गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों, सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए। इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 12 चक्कई के चकदुम कविता का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए आप इसमें दिया गया है इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, हमें उन्हें देखकर पहचानना है कि इस चित्र में क्या क्या बना हुआ है। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में और साथ ही साथ अपनी पुस्तक में लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे देखो, किसी के सर पे बालों का जूड़ा बनाया, वो तो स्त्री है। और फिर ये देखो ये क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो हमें पहचानना है कि वे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये मड़ैया है जैसे, ये उसमें व्यक्ति हैं। फिर यहाँ पर भी औरतें हैं, वो शायद कुएं से पानी निकाल रही हैं। और फिर यहाँ पे औरतें हैं, वो क्या हैं, सामान टोकरी में ले जा रही हैं ना। यहाँ फिर औरतों ने क्या कर रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। फिर ये देखो आप ये क्या है, ये भी मड़ैया है, झोपड़ी है, उसमें ये देखो क्या लगा रखा है, झूला, जिसमें क्या होगा, बच्चा सो रखा होगा। फिर ये कोई घर पे गठरी ले जा रहा है। यहाँ पर देखो एक आदमी ने क्या है, ये बकरी वगैरह है, उसे ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये पेड़ है, फिर ये पानी आ रहा है ना, नदी में पानी आ रहा है। फिर आदमियों ने क्या पकड़ी हुई है, नाव पकड़ी हुई है, वो उस नदी में नाव चला रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे खेत है जिसमें कुछ बोया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है बच्चों महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने इस चित्र को और बच्चों का ध्यान दिलाए। तो ये जो चित्र है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में, इस तरह के चित्र बनते होंगे, तो शैली में ये चित्र बना हुआ है। और इसमें दिए गए चित्रों को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। फिर देख लीजिए आप इसी में, यहाँ पे है लिखा हम तुम हम, चक्कई के चकदुम कवि बने हम तुम। फिर है चक्कई के चकदुम अम्मा की रसोई खाना खाए हम तुम। चक्कई के चकदुम दोस्तों के संग फूल चुने हम तुम। चक्कई के चकदुम। तो इस तरह आप यहाँ पे खाली स्थान में कविता लिखने का प्रयास कीजिए। फिर देखो आप इसमें अब बनाकर देखो, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ। तो हम पढ़ेंगे कागज की नैया पार करें हम तुम। कागज की नैया, कागज की क्या है, नाव को पार करें हम, क्या करें, पार करवाएं। गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। तो यहाँ पर कागज की नैया नाव, फिर गांव की मड़ैया गांव की जो झोपड़ी है, और फुलवा की बगिया जो फूलों की बगिया है उससे हम फूल चुने।
यहाँ पे हमें जैसे नाव, नैया, नाव, मड़ैया और फूलों की बगिया, फूलों की बगिया का चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे खाली स्थान में या आपको अपनी हिंदी की कॉपी में जहाँ पे आपने चक्कई के चकदुम कविता लिखी होगी उसके बाद यहाँ पे इन सब चीज़ों का चित्र बना लीजिए, नाव, मड़ैया और फूलों की बगिया या फूलों फूल का चित्र बना लीजिए और अपनी पुस्तक में भी कर लीजिए आप यह कार्य। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।